सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल नोएडा रियल्टी। तो आज के वीडियो कंटेंट में जो प्रोजेक्ट हम विजिट करने वाले हैं, दिस इज आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, दैट इज लोकेटेड इन सेक्टर 76 नोएडा। सिलिकॉन सिटी इज नाउ बीन टेकन केयर बाय NBCC। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाती है। प्रोजेक्ट से नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करें तो सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन इज द नियरेस्ट वन। सो दिस इज द एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। करंट जो लो राइज बिल्डिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज योर सोसाइटी कमर्शियल। सब प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें, 43 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है, 28 टावर्स हैं इसके अंदर और 3029 यूनिट्स हैं इन टोटल। प्रोजेक्ट में अगर ऑफरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 2, 3 और 4 BHK अपार्टमेंट मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द पेंट हाउसेस। हम 2 और 3 BHK अपार्टमेंट के अलावा आने वाले टाइम में और भी वीडियो कंटेंट पब्लिश करेंगे यहाँ पे। जितना भी डिलीवरी और हैंड ओवर का जो प्रोसेस है, दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय NBCC ओनली। तो आज के वीडियो कंटेंट में जो वेरिएंट हम विजिट करने वाले हैं, दिस इज योर 3 BHK प्लस स्टडी वेरिएंट, जो कि 1835 स्क्वायर फीट में बना है। सो आइए अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। एज वी मूव इन टू द अपार्टमेंट, आपको 11x17 का एक ड्राइंग एरिया मिल जाता है। सो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम, 11x13 का आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम में आपको कनेक्टेड वॉशरूम और बालकनी दोनों ही मिल जाती है। वॉशरूम के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 5x8। एंड मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द बालकनी, बालकनी के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 5 feet वाइड बालकनी। So this is your 5 feet wide balcony to the drawing area. Moving further, this is your dining area, 8.5x11 approx ka dimension hai iska. This is your kitchen area, that is 8x10. Which comes with the utility balcony. अगर हम सिलिकॉन सिटी के लेआउट की बात करें तो यहाँ पे जो लोडिंग कंपोनेंट है वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा, विच मीन्स कि अपार्टमेंट में जो यूजेबल एरिया है वो आपको काफी इफेक्टिव मिल जाता है। दिस इज योर कॉमन वॉशरूम, जिसके डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 5x73। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंडरी बेडरूम, 12x10 का डायमेंशन है इसका एंड अ वार्डरोब विद इन द वॉल। इस बेडरूम में आपको कनेक्टेड वॉशरूम नहीं मिलता है। दिस कम्स विद द बालकनी एरिया। मास्टर बेडरूम है, जिसका डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ड्रेसिंग एरिया में आपको विद इन दी वॉल वार्डरोब स्पेस मिल जाता है। वॉशरूम कम्स विद दी ड्रेसिंग एरिया, जिसका डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। So moving further, this is your 5 feet wide balcony to the bedroom. So जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आपको 2 BHK अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर 2 BHK अपार्टमेंट की स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 70 lakhs, और वही अगर हम 3 BHK अपार्टमेंट के स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो दो स्टार्ट्स फ्रॉम 1.15 crore। दिस इज योर स्टडी रूम टू द अपार्टमेंट, 9x8 का डायमेंशन है इसका।
दिस कम्स विद द कनेक्टेड वॉशरूम जिसका डायमेंशन 5.5x3.5 है। आप इस पर्टिकुलर रूम को सर्वेंट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो अपार्टमेंट हमने आपको वीडियो कंटेंट में दिखाया, अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.35 crore। सो वी होप आपको हमारा आज का वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। इनकेस आप ये अपार्टमेंट विजिट करना चाहते हैं या इस सोसाइटी में और अपार्टमेंट्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी सेम आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। वील बी कनेक्टिंग यू बैक। सो इनकेस आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।